मेरा नाम दीपक केळकर है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायबिटीज मेलाइटस मतलब शुगर की बीमारी, मधुमेह और नपुंसकत्व, साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंस। क्या है कि लैंगिक संबंध करना, उसमें टिककर रहना और वो पावरफुली करना, जिनको जिनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी, मधुमेह, ये मधुमेह में बहुत ही तकलीफ का हो जाता है। काफी सारे लोग जब मेरे पास में 40 साल की उम्र के बाद में आते हैं कि हमको नपुंसकत्व आया हुआ है, या लैंगिक सुख मिलता नहीं है, या हमारे शिश्न में इरेक्शन नहीं होता, टेंशन नहीं आता शिश्न में, या इम्पोर्टेंस है, लैंगिक समस्या है, तो पहले मैं उनको बोलता हूँ कि पहले आपके खून का शुगर चेक करो। होता क्या है कि लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि हम अपने को डायबिटीज है। खून में शक्कर बढ़ते जाती है, 200, 250, 300, 350 मालूम ही नहीं है, उसके अलग अलग लक्षण, वो धीरे धीरे बढ़ती है करके लक्षण मालूम नहीं पड़ते। और वो जो शुगर जो खून में बढ़ती जाती है, शुगर की मात्रा मतलब डायबिटीज होते रहता है, ब्लड शुगर बढ़ते रहती है, तो उसका असर जो हमारी ब्लड वेसल्स है मतलब रक्त वाहिनी जो है, खून वाहिनी जिसमें से खून बहता है, उसके ऊपर होता है। उसका अंदर का अस्तर जो है वो छोटा 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 हो जाता है, कड़क हो जाता है, छोटा हो जाता है। और फिर उससे फर्क ये पड़ता है कि शिश्न के तरफ मतलब पेनिस के तरफ, लिंग के तरफ जाने वाला जो खून का सप्लाई है वो कम हो जाता है। और यदि खून का सप्लाई कम हो गया तो फिर शिश्न में टेंशन, इरेक्शन नहीं आता। तो काफी सारे लोग जब आते हैं तो उनको बोलते पहले ब्लड शुगर टेस्ट करो, और वो शुगर यदि टेस्ट करते तो उसमें यदि डायबिटीज निकलता है तो पहले वो डायबिटीज को ठीक करो। डायबिटीज को ठीक करने के बाद एक तो वो आप ही आप अच्छे हो जाते हैं, या फिर उनको दवा देनी पड़ती है। क्योंकि जब ब्लड वेसल्स जो है, रक्तवाहिनी जो है, खून जिसमें से बहता है, यदि वो छोटी हो गई है, उसका आकार जो है वो छोटा हो गया है, तभी उसको बड़ा करने के लिए तो ऐसा कोई संभव नहीं है, तो फिर दवाई दो। दवाई से खून जब अंदर जाएगा, शिश्न में जब खून जाता है, देखो इरेक्शन कैसा होता है, ये शिश्न का इरेक्शन जो है वो कम से कम 150 से 250 मिलीलीटर खून शिश्न में अंदर जाता है और उसकी वजह से टेंशन आता है। अब जब जो ब्लड वेसल जो है वो छोटी हो गई है तो उतना खून अंदर जाएगा नहीं शिश्न में, उतना खून अंदर नहीं गया तो वो शिश्न जो है वो बड़ा होता नहीं, इरेक्शन उसमें होता नहीं। तो जो दवाइयां हैं, मेडिसिन जो है, वो मेडिसिन से वो खून उतना अंदर जाएगा, उसकी व्यवस्था हो जाती है और उससे इरेक्शन जो है वो काफी समय तक बना रहता है और उसके वजह से वो लैंगिक संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। तो सभी लोगों ने यह देखना है कि भाई 40 साल की उम्र में यदि पहली बार ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, लैंगिक समस्या आती है, तो पहले खून तपासना जरूरी है, शुगर कितनी बढ़ी हुई है। तो यह जो आप करते हो तो आपका जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्स की बीमारी है, नपुंसकत्व है, वो ठीक हो सकता है। आप दवाई ले लो, अच्छे हो जाएंगे और आपका लैंगिक जीवन भी अच्छा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको काफी सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।